नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नीतीश। दोस्तों आज सीटेट का एग्जाम है और पेपर फर्स्ट यानी कि लेवल फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, यानी वो लोग जो प्राइमरी लेवल के लिए एग्जाम दे के रहे हैं वो फ्री हो गए हैं और 10 लाख से अधिक लोग इस एग्जाम में बैठे हैं। यहाँ अब आपको वेट होगा आंसर की का, तो मैं आपको यहाँ टेंटेटिव आंसर की दे रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा बोर्ड पर, उनके सामने शॉर्ट में उनका आंसर भी लिखा है। जिनका आंसर मैं लिख पाया उनका आंसर मैंने लिख दिया शॉर्ट में, वरना मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है। तो यहाँ आप अपनी आंसर की का मिलान कर लें और वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक और शेयर भी वीडियो को कर दें। तो पेडागोजी का जो अपना अपना आंसर किया आप मिलान कर लें, सबके पास अपना अपना पेपर होगा। मैं बता रहा हूं आपको यह क्वेश्चन समेत, ठीक है। तो देखो ये पहला क्वेश्चन है, ये सीरीज बी का है, ठीक है ना। सीटेट 8 दिसंबर 2019 पेडागोजी वाला सीरीज बी का है ये। अब क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, अपने अपने हिसाब से मिला लेना एक बार, ठीक है। अब सीरीज बी में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा 3rd नंबर, ठीक है ना। पहले क्वेश्चन का आंसर होगा 3, दूसरे का आंसर होगा 2, अभिसारिक विचारक वाला, ठीक है ना। तीसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा 1 नंबर। चौथे नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर होगा 4 नंबर। पांचवे नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 2 नंबर धारा प्रभाव वाला। छह नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 6 नंबर वाला व्यवहारवादी सिद्धांत वाला। सात नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 3 नंबर, है ना। आठ नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर होगा 3, ऑप्शन नंबर 3, प्रतिकूल प्रमाण, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 उसका जो ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर है बच्चों के अनुभव वाला, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, उसका जो ऑप्शन नंबर 1 उसका आंसर है स्वतंत्र, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 2 अनुबंधन अर्जित वाला। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर निपुणता पहचान वाला। क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन 15 जिसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है अन्वेषण परिचर्चा। क्वेश्चन 16 ऑप्शन 3 इसका आंसर है। क्वेश्चन 17 ऑप्शन 3 इसका आंसर है जिसमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों को सही माना गया है। 18 नंबर का प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है सार्वभौमिक वाला। क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है आनुवंशिकता वाला। क्वेश्चन नंबर 20 है उसका ऑप्शन नंबर 3 सही है मीडिया वाला। क्वेश्चन नंबर 21 है ऑप्शन नंबर 2 आंसर है उसका। क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 में ऑप्शन नंबर 4 आंसर है, जेंडर पक्षपात किया जा रहा है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 24 है उसमें आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, जेंडर पक्षपात पर परिचर्चा। क्वेश्चन नंबर 25 है आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26 है आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर 1 प्रारंभिक बाल्यावस्था, ठीक है ना। 25-26 दोनों में 1 है। तो 27 नंबर जो क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर है ढांचा जिसका आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर है परिकल्पित वाला। क्वेश्चन नंबर 29 जिसका ऑप्शन नंबर 4 आंसर है स्कीमा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका अंतिम क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 उसका आंसर है व्यक्तिगत वार्ता। तो ये आपके क्वेश्चन उसके आंसर है सीरीज बी है। सीरीज बी के अनुसार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 20 के मैंने आंसर ये लिख दिए, बाकी के मैंने क्वेश्चन के ऑप्शंस लिख दिए जो उनके आंसर सही है। अब अपने हिसाब से आप इनको मिला सकते हो। अगले वीडियो में मैं आपको इनके और भी क्लियर कर दूंगा और सेकंड पेपर भी आपको बताऊंगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं, अगर पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।